Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Rabbi Shahri Sadri, Mehsil Emri, Wahlul Uqtata Milasani, Abqa Qawli. तो इस वीडियो में आपको जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम्स 25th से स्टार्ट हो रहे हैं, देन दे विल बी फॉलोड बाय फिजिकल एग्जाम्स फ्रॉम द 1st of February. तो जो ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे उसके लिए थोड़ी सी मैं आपको टिप्स दूंगा, क्योंकि जो जून जुलाई में एग्जाम्स हुए थे उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेंट्स की थी कि हमारे जो कंटेम्प्रेरी स्टूडेंट्स हैं उन जैसे ही पेपर थे, लेकिन हमारे जो मार्क्स हैं वो कम आए ऑनलाइन एग्जाम्स में. तो उसमें ना कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है. कुछ चीज़ें अगर आप सही करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपके मार्क्स बल्कि ज़्यादा आएंगे जो इन चीज़ों का इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे. आपको पता है कि जो फिजिकल एग्जाम्स होते हैं उनमें तो आपको शीट मिलती है और वो एक प्रोसेस है जिससे सारे वाकिफ हैं. टीचर्स जो हैं वो उसमें नंबरिंग सब कुछ होती है और एक पैटर्न के तहत आप उसको सॉल्व करते हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं. लेकिन ऑनलाइन में फिर आपको काफ़ी इसमें ना जो आप सबमिट करते हैं उससे पहले ख्याल रखना पड़ता है कि जो टीचर है उसके लिए आप आसान बनाएं कि उसको रीड कर सके वो. आप उसमें ना अगर जितना क्लियर आपका काम होगा, जितना आपने सही काम किया हुआ होगा, उसमें फिर आपके उतने मार्क्स ज्यादा आने के इम्कान होंगे. तो सबसे पहले ये है कि अब जैसे ये मेरे पास आप स्क्रीन देख रहे हैं, मेरी जो एक असाइनमेंट मैंने दी थी उसमें 2K17 के स्टूडेंट्स ने हैंड इन किया था. तो मैं अपने उसमें बताता हूँ कि मैं इसी तरह बोल दूंगा. तो ये एक आसान तरीका होता है कि एक ही जगह पर आपने हैंड इन करना है. आपने एक ही जगह पर हैंड इन कर दिया, उसके बाद फिर रिटर्न. वो ज़ाहिर है फाइनल एग्जाम के इस तरह मार्क्स तो रिटर्न नहीं होते, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि टीचर के पास ना एक ही जगह पर वो सारे पेपर्स मौजूद होंगे. वो बहुत आसानी होगी उसके लिए चेकिंग के लिए. बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई व्हाट्सएप पे दे रहे होते हैं, कोई ईमेल पे दे रहे होते हैं, कोई इधर कोई जनरल में पोस्ट कर देते हैं, फाइल्स में डाल देते हैं, तो फिर वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है. अगर वो उनको मिल भी जाए ज़ाहिर है तमाम पेपर्स तो वो टीचर सर्च करेगा, लेकिन अगर मिल भी जाए ना तो वो एक डिफरेंट मूड में होते हैं और वैसे ही उनका थोड़ा सा वो हो जाएगा कि यार सबके साथ मतलब कि एक डिफरेंट मूड में बाकियों के वो अलग से चेक कर लेंगे और आपका जो अलग हो जाएगा उसमें फिर क्योंकि एक ज़ाहिर है एक मोमेंटम होता है ना, जिसमें जब मैं भी पेपर चेक कर रहा होता हूँ तो एक मोमेंटम में पेपर्स देख रहा होता हूँ. तो बेहतर यह है कि तमाम पेपर्स एक चैनल पे हों. तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे बेहतर यह है कि मैं चूंकि असाइनमेंट के तौर पर एग्जाम अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आप टर्न इन करें सारे यहीं पे. और अगर कोई रह जाता है यहाँ पे, कोई एमएस टीम्स ऐसा भी हो कि जिसको ना आ रहा हो टर्न इन करना, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अब आपको काफी फेमिलियर हो चुका होना चाहिए इस सिस्टम से, तो वो ईमेल एड्रेस पे भी दे सकते हैं. दूसरी बात ये है कि आपने चूंकि स्कैन करके पीडीएफ में भेजना है, तो इसलिए आप सही स्कैनर यूज करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैमरा. अगर आपका कैमरा ठीक भी है फिर भी वो तो इमेज बनाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप स्कैनर यूज करें. स्कैनर्स जो हैं जैसे कैम स्कैनर एक बहुत मशहूर स्कैनर है, वो आपको तमाम जो आपके पेपर्स के पेजेस हैं, यानी कि लेट्स से आपने 30 पेजेस अगर इस्तेमाल किए हैं, तो उनको वो एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा, एक पीडीएफ बना देगा. तो इसलिए अगर आपने अभी तक अपने मोबाइल फोन्स पे उसको इंस्टॉल नहीं किया तो आप इंस्टॉल करें और उससे प्रैक्टिस करें, अभी से प्रैक्टिस करें कि किस तरह आप मल्टीपल पेजेस को, मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन कर सकते हैं इनटू वन पीडीएफ और इसको सही स्कैन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस भी मैटर करता है कि आपने कुछ कोई पेज पे कुछ लिखें या फिर कोई जिसपे कुछ लिखा हुआ पेज उसको स्कैन करके देखें कि आप क्लियर इमेज बना सकते हैं या नहीं. उसमें भी बहुत सी ऑप्शंस होती हैं कैम स्कैनर में भी, क्योंकि मैं वो यूज करता हूं, तो उसमें ऑप्शंस होती हैं कि आप मैजिक कलर्स यूज कर सकते हैं, लाइटन हो सकता है, डार्क हो सकता है. तो इसलिए उस पर थोड़ा सा वर्क करें, क्योंकि ये आपके जाहिर है 50 मार्क्स हैं,
फाइनल के ये आपकी सीजीपीए आपके करियर का सवाल है, तो इसके लिए थोड़ी सी आपको पहले से जो लोग बिल्कुल फेमिलियर नहीं है उसमें आपको इसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अच्छा पीडीएफ्स को आपने कंबाइन करके वो करना है, ये एक एक पेज आप अगर सेंड करेंगे, कहीं ईमेल कर दिया एक एक पेज करके सेंड कर दिया, तो जाहिर है टीचर फिर एक पेज देखेगा दूसरा डाउनलोड करके देखेगा, कोई शायद मतलब ये पुअर मैनेजमेंट आपकी तरफ से हो गई जिसकी वजह से यू मे लूज मार्क्स। ठीक है, अच्छा फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने बिल्कुल एक क्लियर पेज इस्तेमाल करेंगे, तो रूल्स में भी शामिल है कि क्लियर पेज हो, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर पेज हो जिसपे आप अपने अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें, हेडिंग्स देके सही तरह, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 A पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 B पार्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के पेज नंबर्स हो, जो आपको फिजिकल शीट्स मिलती थी उन पे तो था ना 1 2 3 4, वो पेजेस पेज नंबर्स होते थे, लेकिन आप अगर किसी पेज पे कर रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही केयरलेस होते हैं, वो ना पेज नंबर लिखेंगे ना कुछ, बस पेजेस की वो इमेजेस बनाई और उनको सेंड कर दिया। आप हर पेज पे पेज नंबर दें लाजमी, उसके लिए बहुत आसानी होगी टीचर के लिए, और उनको पता होगा कि ये 1 2 3 4, और क्योंकि अगर मल्टीपल ज़ाहिर पेजेस हैं 30 40 पेजेस हैं, हो सकता है कि आपके जब आप उनको मतलब उनकी इमेज लेके उनको पीडीएफ में कंबाइन कर रहे हो सकता है कि 27 पहले हो जाए और 20 बाद में हो जाए, लेकिन अगर आपने पेज नंबर्स दिए हुए होंगे तो फिर भी उससे सहारा हो जाएगा, टीचर को पता होगा कि नहीं ये गलती होगी, लेकिन 20 चूंकि पेज नंबर आगे का है तो इसलिए वो उससे रिलेट कर सकेगा, तो पेज नंबर देना बहुत जरूरी होगा। फर्स्ट पेज पे आपने सारी अपनी बताना है कि नेम, रोल नंबर, सेशन, सेक्शन, सब्जेक्ट एटसेट्रा, वो सारी चीजें भी आपने देनी जरूरी है। फिर जाहिर है आपकी हैंड राइटिंग जो है वो लेजिबल हो, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो इमेज हैं, इमेज जो आप लें उसमें पहले से प्रैक्टिस कर लें कि आपकी कुछ देर के बाद वो फोकस करता है, एक फोकस होता है कि बिल्कुल आपकी क्लियर जो राइटिंग है वो आए, और दूसरा आपकी हैंड राइटिंग भी लेजिबल हो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैसे शीट पे तो ये होता है ना फिजिकल आपने जो लिखा हुआ है वो भी वैसे उसमें भी ज़ाहिर है हैंड राइटिंग बड़ी मैटर करती है, लेकिन इसमें तो आप उसकी भी इमेज बना रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा भी मतलब कि अगर ज़्यादा क्लियर नहीं होगी तो टीचर रीड ही नहीं कर पाएगा, तो ही विल नॉट गिव यू मार्क्स, तो हैंड राइटिंग भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगर आपने ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करने हैं, जैसे मेरे पेपर में तो होंगे कुछ ग्राफ वगैरह, अगर आप ड्रॉ करें तो उसको भी बिल्कुल अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कर लें कि उनको कैसे आपने इमेज में डालना है, और उनको भी ग्राफ को भी हेडिंग के साथ दें, सिर्फ ऐसी ग्राफ ना दें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 B पार्ट लेट्स से मिकेब थील मेथड मैंने सॉल्व किया, तो उसमें फिर जो अच्छा फिर ग्राफ के लिए भी चूंकि आपने इमेज बनाना है इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करके वो करें कि अगर आप पेंसिल से कर लें और पेंसिल वैसे करने के बाद आप इमेज बनाएं उसमें क्योंकि पेंसिल इतनी क्लियर नहीं होती, तो शायद वो जो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं या वैल्यूज हैं वो सही तरह दिखाई ना दे रही हूँ, टीचर ना जान सक टीचर को ना समझ आए, तो उससे बेहतर है कि आप पेन से बनाएं और इमेज भी अगेन ऐसे लें कि सारी चीजें क्लियर हो। एक अच्छा पेपर पूरा पीडीएफ में कंबाइन करने के बाद एक कॉपी आप अपने पास रखें, और बस लास्ट थिंग ये है कि टाइम को भी स्ट्रिक्टली आपने फॉलो करना है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आप प्रैक्टिस लाजमी करें कि किस तरह आपने कैम स्कैनर या किसी भी स्कैनर के जरिए इसको करना है, क्योंकि आपने टाइम जो पेपर जरा लेंथी होते हैं वैसी 3 आवर्स के होते हैं, तो उसमें आपने ये जो सारा काम करना है इसके, हालांकि 15 मिनट्स दिए जाते हैं आपको ये करने के लिए, लेकिन अगर लेट से आपने 40 45 पेजेस लगाए हैं, तो चूंकि शीट के तो वैसे पेज थोड़े बड़े होते हैं, आपने अगर 40 45 पेजेस A4 के लगाए हैं तो उनको सही तरह स्कैन करने में आप तेजी से ना करें बल्कि
अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप उसको ठीक तरीके से स्कैन कर सकेंगे। तो ये चीजें मेरे ख्याल में अगर आप करते हैं, मेरे पेपर में भी, माया अपकमिंग पेपर ऑफ SHMT और बाकी पेपर्स में भी मेरे ख्याल में आपको ये फायदा देगी। और आप फिर देखेंगे कि जो मार्क्स की डिफरेंशियल है वो इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर आपने सही किया है तो आपके भी मार्क्स अच्छे आएंगे।